ओम शांति। मेरा शरीर का नाम कुलदीप कुमार है और मैं ज्ञान में कम से कम 15 साल हो गए चले को। और मेरा छोटा सा काम एक शॉप है, पान की दुकान है। और मैं ज्ञान से तब चला हूँ कि मेरे को स्वयं परमात्मा ने इस ज्ञान पे पहुँचाया है। और जब मैं शॉप पे आया तो शॉप खोलने के बाद मेरे को भगवान ने बोला कि पीछे चलो और मेरे को सूरज के दर्शन करवाए। और उसमें मैंने देखा, सूरज को देखा तो वो चाँद जैसे दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि ये सूरज जो है तेज की किरणें कहाँ गई, और सूरज जो है वो लाल जैसे होता नहीं है, और सूरज ही है तो इसकी किरणें कहाँ हैं। तो मैंने सोचा कि चांद है तो इतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है और शाम को निकलता है, और ये दिन को कैसे निकला। और जब मैं भगवान से पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं स्वयं विष्णु हूँ। और मैं उनको बोला कि अपने मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने बोला कि फ़ोटो में तो देखा विष्णु को, और आप मेरे को साक्षात दर्शन करवाओ। तो उन्होंने दर्शन कराना कुछ करवाने के बाद उन्होंने पीछे हटा दिया। फिर मेरे को बोला कि अब ऊपर देखो, और आसमान के ऊपर देखा तो एक दिशा में ओम, दूसरी दिशा में ओम, चारों दिशाओं में ओम दिखाई दिया, और बीच में एक लाइट सफेद दिखाई दी। और उसमें बाबा जी, ब्रह्मा बाबा जी, मैं जानता नहीं था उनको, उस सफेद कपड़ों वाले ऊपर को चल गए। और जब ऊपर को गए तो मैंने बोला कि इंसान जो पृथ्वी का रहने वाला ऊपर कहाँ चल गया। तो उसके बाद ऊपर से आवाज़ आया कि मैं ओम ओंकार, मेरा कोई रूप नहीं है। तो उसके बाद मैंने बोला कि ये जो आपने मेरे को दिखाया है, और भी किसी को दिखाया है तो मेरे को साधु दिखाई दीजिए। वो इतने तपस्या में बैठे थे, एक एक टांग से उठकर उनकी तपस्या कर रहे थे। तो उसके बाद और साधु आए, उनको मैंने सोचा कि मतलब इनको ज्ञान होगा। तो फिर मैंने शिव से बोल दिया कि इनको ज्ञान दिया, बोलते नहीं दिया। तो ज्ञान जो है, मैंने इनको ज्ञान नहीं दिया है तो आपने किसी न किसी को तो ज्ञान दिया होगा। तो मेरे को सीधे एक लाइट चल गई बहुत दूर, वहाँ मेरे को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, मैं जानता नहीं था, सफेद कपड़ों से आए। और जब उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने बोला कि मैं इनको ज्ञान दिया है। तो मैंने जब उनको ज्ञान दिया तो मेरे को ऐसे मन करा कि ये मेरा दोस्त है, मित्र है, और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। बस इतनी बात बताने के बाद मैंने सोचा कि आप ही मिला सकते हैं, मैं नहीं मिल सकता हूँ। एक आदमी ढूंढना कोई आसान नहीं है, आप मिलाएंगे तो मैं मिल पाऊँगा, अगर आप नहीं मिलाएंगे तो मैं नहीं मिल पाऊँगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ब्रह्म कुमारी दीदियाँ सेंटर की आ रही थी, तो मेरे को नहीं पता था कि ये कौन दीदियाँ हैं। तो वो दीदियाँ जा रही थी तो उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और उनके पांव देखे तो जूते डाले थे, मुंह में पटका नहीं था। मेरे को याद आ गई बचपन की एक राधा स्वामी आदमी होते हैं, वो हो गए। तो फिर मेरे को ये पता लगा कि नया ज्ञान है। उसके बाद बाबा ने ओम शांति में मिला दिया, फिर मधुवन में गया, वहाँ मेरे को पता लगा कि ये बाबा जी है। तो मेरे को साक्षात दर्शन वहीं हुए मधुवन में। तो जैसे मेरे को हुए हैं ऐसे आपको भी वो सभी सेंटर में आए, वो बाबा का ज्ञान सुने। ओम शांति।